नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं जेडीयू नेताओं पर, उनका साफ कहना है कि आपका जहां मन है वहां जाइए, मेरी पूरी शुभकामना है। यदि कोई बात रही होती तो आपको पार्टी के अंदर कहने चाहे था। इस तरीके से वक्तव्य देने से कोई मतलब नहीं निकलता। इस वक्त आरजेडी नेता शिवान तिवारी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? नीतीश कुमार का यही चरित्र है। अरे यही बात जो है प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, जो बात पवन वर्मा कह रहे हैं लगभग वही बात जो है प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। दोनों झूठे निकल गए और यही सच साबित हुए। इन लोगों ने तो बजाबते प्रशांत किशोर ने लिखा था और इन्होंने भी कहा था कि पार्टी के मीटिंग के अंदर आपने कहा, और यही बात तेजस्वी ने भी कहा विधानसभा के सदन में कि साहब अब आपके बगल में हम बैठते थे तो आप कहते थे कि ये खतरनाक लोग हैं। और यही नहीं, आपने विधानसभा में जब आप NDA से बाहर आए थे तब आपने कहा था, या उसके पहले NDA से बाहर आने की भूमिका बना रहे थे, कई अखबारों के में इंटरव्यू के देकर, मैंने आप दिल्ली में पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नहीं साहब ये जो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है विभाजनकारी व्यक्तित्व है, रफ एज है, ये शब्द इस्तेमाल किया था इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के में इंटरव्यू में, और आप अलग हुए थे। और आज आप जो है आपको मैंने सब के सब लोग झूठे दिखाई दे रहे हैं। आप कहिए कि आपके अंदर साहस नहीं है, अकेले चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। आप ये कहिए कि सत्ता की आदत लग गई है आपको, आप बगैर सत्ता के रह नहीं सकते हैं, इसलिए आप जो है इतना विवेचना करने के बाद और ये कहने के बाद कि मैं संघ मुक्त भारत बनाऊंगा। क्यों संघ मुक्त भारत की बात कर रहे थे? क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत देश के लिए घातक है, और इसीलिए आप संघ मुक्त भारत बनाने के लिए कहा था। एडवांस उन्होंने कह भी दिया है कि जिसे जाना है जहां जाना है जाइए, शुभकामना है। भाई वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, क्या नाम है पवन कुमार वर्मा, और ना पॉलिटिकल एम्बिशन लेकर के प्रशांत किशोर इनके यहाँ गए थे। प्रशांत किशोर ने सब साफ कहा था कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है न हमको राज्यसभा में जाना है, तो इसलिए आप इन लोगों को क्या बताइएगा? पवन कुमार वर्मा को आप क्या बताइएगा? पवन कुमार वर्मा जो है हिंदुस्तान के एकेडमिक सर्किल में उनका नाम जो है आदर के साथ लिया जाता है। मैंने प्रशांत किशोर जो है दो दो तीन तीन चार चार चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं, जिनके गोदी में आप बैठे हुए हैं उनको, उनके लिए भी उन्होंने काम किया है। और 2014 का जो इलेक्शन हुआ था मैंने लोकसभा का, उस चुनाव के दरमियान काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी और क्या नाम है अमित शाह सब उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो क्या मतलब मोह भंग हो गया, इसे कैसे देखा जाए? मोह भंग क्या होता है भाई? मोह कायरता है, रीढ़ विहीन नेता है, ये कायरता है उनके अंदर, उनको लड़ने का साहस नहीं है। गांधी लोहिया का नाम लेकर के गांधी लोहिया को अपमानित कर रहा है ये आदमी। ये हमारे साथ, हम जो है हमको इनके बारे में तजुर्बा है, बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहते हैं। इस आदमी में दम ही नहीं है, कभी लड़ा ही नहीं है, और सत्ता की तो इधर लत लग गई है। और महाभारत में कहा गया है कि सबसे बड़ा नशा, अगर सबसे पोटेंट नशा कोई है तो सत्ता का नशा है। और सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए अखबारों पर सेंसर लगा करके जो हम कहेंगे वही छपेगा। आप रोज का अखबार उठा करके देख लीजिए, अपनी बात पढ़ता है, और उनके जो चारण लोग हैं, भाट लोग हैं, जो उनको भगवान बना के पेश कर रहे हैं, भगवान से भी ज़्यादा चमकदार चेहरा इनका बना करके पेश कर रहे हैं, उसी दुनिया में ये लिप्त है आदमी, उसी दुनिया में लिप्त है। लेकिन याद रखें कि हर रात के बाद जो है सुबह होती है, और ऐसा नहीं है कि फेविकॉल से चिपके हुए हैं आप जो है राज सिंहासन के साथ, उतरेंगे आप, जनता आपको उतारेगी। देखिए नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर दिया है शिवान तिवारी ने, और साफ कहा है कि फेविकॉल से आप कोई चिपक नहीं गए हैं कुर्सी से, जनता आपको आने वाले दिनों में जरूर उतारेगी। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।